टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजारों की चाल में आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है, सुबह के मुकाबले किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी, कितनी उठापटक देखने को मिल रही है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे कृषि फसलों में कैसा सीड से। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसा सीड का फरवरी वायदा 6338 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 6440 का हाई लगा चुका है, 1.25% की तेजी है। हम देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र में जो कैसा सीड का वायदा बाजार 6200 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा था, शाम के कारोबारी सत्र होते होते 6300 के ऊपर निकल चुका है, 6338 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6440 का हाई लगा चुका है, 1.25% की तेजी कैसे सीड की कीमतों में अभी हाल फिलहाल में बनती नजर आ रही है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए कैसे सीड की कीमतों में अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है। बात करें यहाँ से अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वायदा 3334 पर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी है। देख रहे हैं कि जो बिनौला खल है कॉटन सीड ऑयल केक, वो 3300 के ऊपर ही सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है। फंडामेंटल्स मजबूत ही हैं, लेकिन मंडियों के अंदर ऊपरी स्तरों से उठाव भी कम देखने को मिल रहा है। दरअसल पोल्ट्री और डेयरी उद्योग के लिए पशु चारे की जो लागत है वो ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऊंची कीमतों पर बिनौला खल की जो खरीद है वो थोड़ी कम होती नज़र आई है। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि इसका असर कॉटन की कीमत तेज होने के बावजूद तो जो तेजी की ओर जाते हुए दिखा था बिनौला खल, अब वही 3300 के ऊपर तो है, लेकिन 3300 के ज़्यादा 3300 से ज़्यादा तेज नहीं हो पा रहा है, 3300 से ऊपर कीमतें नहीं उठ पा रही हैं। 3400-3500 तक जो लेवल्स आने चाहिए थे अभी वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बिनौला खल में क्या रणनीति बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। अनुज जी, सबसे पहले आपसे बिनौला खल पर ही बात करना चाहूंगा। हम देख तो रहे हैं कि बिनौला खल 3300 के ऊपर तो ट्रेड करता नजर आ रहा है काफी समय से, लेकिन 3400-3500 का लेवल नहीं दिखा पा रहा है। जो लेवल बिनौला खल ने जनवरी बाद में 3400 का दिखाया था, लेकिन वहां पर सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिली थी। आपको क्या लगता है 3400-3500 तक के लेवल्स कब तक देखने को मिल पाएंगे बिनौला खल में? अनुज जी से जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। हम बिनौला खल के ऊपर बात कर रहे थे। दरअसल ये जो सर्दियों वाला जो सीजन होता है, ये ऐसा सीजन होता है जब दूध की मात्रा, दूध का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार दूध का उत्पादन कम देखने को मिला। इस बार से मेरा मतलब है साल 2021 के अंत होते होते, सर्दियों का आगमन होते होते दूध का जो उत्पादन है उसमें कमी देखने को मिली है, क्योंकि साल 2021 में सभी चीज़ों के जो दाम थे महंगाई की वजह से ज़्यादा बढ़े थे। तो जो पशुओं का जो पशु चारा था, हरी घास हुई, खल हुआ, उनके दामों में भी बढ़ोतरी हुई थी, जिसकी वजह से पशुओं पर जो निवेश था निवेशकों ने कम किया, लाइव स्टॉक पे जो निवेश था, जो इन्वेस्टमेंट थी वो कम देखी गई, जिसकी वजह से दूध उत्पादन भी कम ही देखने को मिला। और अब दूध की डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से बिनौला खल की डिमांड भी बढ़ी थी बीच में। अभी भी डिमांड है, लेकिन ऊंची कीमतों पर खरीद नहीं है, और बिनौला खल एक ऐसा मात्र उत्पाद है जो आगे पशुओं में दूध की मात्रा को और दूध के फैट की मात्रा को बढ़ाता है। बाकी खल तो सिर्फ प्रोटीन बढ़ाते हैं, लेकिन बिनौला खल दूध की मात्रा को बढ़ाता है, दूध के उत्पादन को बढ़ाता है, दूध के फैट को बढ़ाता है पशुओं के अंदर, जिसकी वजह से पोल्ट्री और डेयरी उद्योग से बिनौला खल की इंडस्ट्रियल डिमांड अभी भी आगे भी देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स बिनौला खल में पॉजिटिव ही हैं। यहीं से बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वायदा 10340 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी है। देख रहे हैं कि धनिया की कीमतों में तेजी ही देखने को मिल रही है, 0.25% की तेजी धनिया के साथ, 0.25% की तेजी के साथ धनिया का वायदा बाजार ट्रेड करता नजर आ रहा है। अप्रैल वायदा की बात कर रहा हूं मैं, ये 10300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस बार
जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कोरिएंडर की, यानी कि धनिए का जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं, वहाँ पर धनिए की बुआई इस बार कम देखने को मिली है। धनिए की बुआई कम है तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी कम ही होगा, और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था धनिए का वो भी कम ही देखने को मिला है। और अब जैसे शादी ब्याह का माहौल है तो शादियों में खाने की डिमांड रहेगी, तो मसालों का इस्तेमाल होगा, और इसके साथ साथ आगे अब होली भी है, रमज़ान का भी महीना है, ऐसे में धनिए की जो कीमतें हैं आगे तेज़ी की ओर रह सकती हैं। जानकार अभी यही बता रहे हैं कि हाजिर कारोबारी भी इस बार धनिए में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हाल फिलहाल में जो तेज़ी देखने को मिल ही रही है, इसके साथ साथ आने वाले कुछ महीनों में और धनिए की कीमतों में अभी और शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल रुझान धनिए में तेजी वाला रहने वाला है। यही सब बात करें अगर धनिए के साथ जीरे की, तो देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा 18,365 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 0.25% की तेजी है। देख रहे हैं कि जीरे का मार्च वायदा 0.25% की तेजी के साथ 18,000 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हमने जीरे की कीमतों को 17,000 पर भी ट्रेड करते देखा था, फिर वहाँ पर हमने देखा था कि एक रेंज देखने को मिली थी 17,300 17,400 के ऊपर, ज़्यादा नहीं जा पा रही थी। लेकिन अब देख रहे हैं कि जो जीरा है वो 18,000 के भी ऊपर निकल चुका है। दरअसल जीरे की जो अवेलेबिलिटी है मंडियों के अंदर थोड़ी कम है, वहीं से जो एक्सपोर्टर्स हैं अब वो थोड़े से एक्टिव हुए हैं जीरे को लेकर, कि जीरे की जो एक्सपोर्ट यानी कि जो निर्यात की जो बातें हैं मंडियों में, मार्केटों में, हाजिर बाजारों में कुछ सुनने में आई है, जिसकी वजह से जीरे की जो कीमतें हैं उनमें उछाल देखने को मिल रहा है, जीरे में उछाल देखने को मिल रहा है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि शादी ब्याह का माहौल है, आगे जीरे की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो पिकअप होती नज़र आ सकती है, उसकी वजह से जीरे की कीमतों में भी उछाल आगे जाके देखने को मिल सकता है। अभी हाल फिलहाल में जीरे की कीमतें तो 18,000 के ऊपर हमने आते हुए देख ही नहीं है, लेकिन आगे जाके आने वाले कुछ महीनों में जीरे में और अच्छी तेजी की भी संभावना हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जीरे में भी आगे जाके जो तेजी है वो देखने को मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, अगर बाकी मसालों की भी बात की जाए, जैसे कि ब्लैक पेपर हुई, लाल मिर्च हुई और इलायची हुई, इन मसालों में भी शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। लौंग में ठीक ठाक तेजी बनती नज़र आ सकती है। तो ओवरऑल रुझान सभी मसालों का तेजी की ओर ही रहने वाला है। बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का फरवरी वायदा 12,230 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है, 2.5% की तेजी है। और गवा सीड का फरवरी वायदा 6,615 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है 1.5% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि ग्वार गम और गवा सीड आज काफ़ी शानदार बढ़त के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। ग्वार गम और गवा सीड में क्या करके चलना सही रहेगा जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। जी 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 अखिलेश जी। अनुज जी सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार में आपने मार्केट एम सीवी के माध्यम से पहले ही बता दिया था कि ग्वार में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है, 12,000 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपके वो लेवल्स आज अचीव होते हुए नजर आ गए हैं, आपका टारगेट अचीव होता नजर आ गया ग्वार गम का भी और ग्वार सीड का भी। अब यहाँ से आपको क्या लगता है, यहाँ से अब ग्वार गम में और ग्वार सीड में आगे और तेजी बनेगी या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है? देखिए क्रूड की तेजी का असर हमने ग्वार में आते हुए देखा है। पहले हम देख रहे थे कि 6,300 का एक स्तर था जो मार्केट ने ब्रीच किया है, मार्केट ने उसको सस्टेन किया है। अब मार्केट हमें लग रहा है कि ऊपर में 6,700 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और ग्वारगम जो है करीबन 13,000 के लेवल को छूता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्रूड की तेजी का काफी असर रहा है। एक्सपोर्ट जो है वो काफी यहाँ पे हमने बढ़ते हुए देखा है, डिमांड जो है वो बढ़ी है। हालांकि देखिए तो इस बार अराइवल थोड़ी सी कम रही जिसकी वजह से डिमांड हमने यहाँ बढ़ती हुई देखी। मुझे लगता है कि डिमांड साइड स्ट्रांग होने की वजह से पूरे ही ग्वार पैक में तेजी आते हुए देखी है। हमें लगता है ग्वार सीड ग्वार गम में आगे भी इसी तरह की तेजी बनती हुई दिखाई देगी और भाव जो है ऊपर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट ग्वार सीड में करीबन 6,700 का रहेगा और ग्वार गम में 12,800 के लेवल देखे जा सकते हैं। जी तो यानी कि ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी पॉजिटिव ही रुझान रहने वाला है। अनुज जी के मुताबिक ग्वार गम में 12,800 तक के और ग्वार सीड में 6,700 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये से अनुज जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार बढ़त बनती नजर आ रही है, चाहे जीरा हो, हल्दी हो, धनिया हो, तीनों ही मसाले तेजी की ओर जाते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है
क्या आने वाले 1 से 2 महीने में और मसालों में यहाँ से और शानदार तेजी बनती नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, मसालों में हमने यहाँ पे काफी अच्छी तेजी देखी है। अगर हम देखें तो टर्मरिक ऑलमोस्ट 11,000 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया है। जीरा में भी हमने करीब 18,300-18,400 तक के लेवल आते हुए देखे हैं। एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे काफी रही है। इस बार देखें तो जो बिजाई है और जो एरिया है वो सभी मसालों में कम देखने को मिला है। एक्सपोर्ट हालांकि यहाँ पर पिछले साल से 10% बढ़े हैं। हमें लगता है कि उसका डिमांड पे काफी असर रहा है। इसकी वजह से जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर सभी में ही तेजी का ट्रेंड आते हुए दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अभी ये ट्रेंड जो है वो आगे पॉजिटिव रहेगा और हम आगे भी मसालों में तेजी देखेंगे। लेवल वाइज अगर बात करें तो जीरा हमें लगता है कि अगले आने वाले 15 दिनों में 18,800-19,000 के लेवल को छू सकता है। टर्मरिक के अंदर हम करीबन 11,500 तक के लेवल देख सकते हैं और कोरिएंडर भी हमें लगता है करीबन 10,800 तक के लेवल को छू सकता है। तो ग्वार तो पूरे ही मसाले पैक में हमें लगता है कि तेजी का ट्रेंड आगे भी देखने को मिल सकता है। जी, तो यानी कि आगे अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में तो मसालों में शानदार तेजी देखने को मिल ही रही है, आगे भविष्य में भी मसालों में काफी शानदार बढ़त देखने को मिलती रहेगी। ये सनु जी, बात करें अगर बिनौला कल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3300 के ऊपर ही स्टक होकर रह गया है। आपको क्या लगता है बिनौला खल में 3400-3500 तक के जो लेवल्स थे वो कब तक देखने को मिल पाएंगे? देखिए मुझे लगता है जल्दी ही यहाँ पर हम तेजी का जो दौर है वो दोबारा शुरू होते हुए देखेंगे, क्योंकि कॉटन अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। कॉटन की क्रॉप भी भारत के अंदर इस बार कम देखने को मिली है। मुझे लगता है कि और जो डिमांड है पशु चारे की वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी खल के भावों में हम तेजी कंटिन्यू देखेंगे। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट जरूर देखी है, मगर यहाँ पर हमारी सलाह की खरीदारी की सलाह करके चलें, खरीदारी का ट्रेड लेके चलें। ऊपर में जो हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 3,600-3,700 तक के लेवल आपको खल के अंदर जल्दी देखने को मिलेंगे, तो कॉटन पैक के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जी, तो यानी कि इंडस्ट्रियल डिमांड भी देखने को मिल सकती है और इस बार थोड़ी बिनौला खल के उत्पादन में गिरावट भी देखने को मिली क्योंकि कपास के बीजों की किल्लत देखी गई है, जिसकी वजह से बिनौला खल में आगे चल के और अच्छी तेजी बनती नजर आ सकती है। ये सनु जी, बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड में भी आपने तेजी का ही बताया था कि कैसा सीड में 6200 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आपके टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं। अब देख रहे हैं बिनौला खल यहाँ पे 6300 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है और 6440 का ही लगा चुका है। आपको क्या लगता है क्या यहाँ से कैसर में और बढ़त बन सकती है? देखिए फंडामेंटली अगर जाएं तो इस बार कैस्टर की क्रॉप भी हमने यहाँ पर कम होती हुई देखी है। जो बेमौसम बारिश हुई थी उससे रकबा और क्वालिटी दोनों ही घटे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो हम रैली कैस्टर में देख रहे हैं ये आगे कंटिन्यू रहेगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6,600 तक आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। जो रिकवरी यहाँ पर हुई है या फिर जो बाउंस बैक इसमें आया है 5,800 से, वो मुझे लगता है कि आगे कंटिन्यू रहेगा और इनिशियली आपको 6,600 तक के लेवल कैस्टर में जल्दी देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि फंडामेंटली भी तेज ही है कैसा सीड और अब 6,600 तक के टारगेट्स कैसा सीड में आगे जाके देखने को मिल सकते हैं। ये सनु जी, बात करें अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है क्योंकि हमने देख रहे हैं कि कॉटन की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि एक्सपोर्ट्स में थोड़ी कमी जरूर आई थी लेकिन डोमेस्टिकली डिमांड भी अच्छी खासी है। ऐसे में आपको क्या लगता है कॉटन में आगे कितनी मंदी तेजी रहेगी? देखिए कॉटन में अभी हम तेजी को ही देख रहे हैं क्योंकि वैश्विक स्तर पर भी भाव ऊपर बढ़े हैं और डोमेस्टिक फ्रंट में देखें तो इस बार क्रॉप कम देखने को मिली है जिसका असर रहा है। और दूसरा अगर देखें तो डिमांड जो है वो काफी स्ट्रांग है। हमें लगता है कि अभी कॉटन के अंदर जो ट्रेंड बना है वो आगे कंटिन्यू रहेगा और जल्दी ही हम यहाँ पर 37,500-38,000 तक के भी लेवल आते हुए देखेंगे। कपास में भी हमने अच्छी तेजी देखी है, तो कॉटन कपास मुझे लगता है कि यहाँ पे तेजी की तरफ जा सकता है। जी, ये सर जी, बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लगता है फरवरी वादा देख रहे हैं 6,350 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और हाजिर में की बात करें तो हाजिर में जो कीमतें हैं वो फ्यूचर से ज्यादा देखने को मिल रही है और यूएस सोयाबीन में भी गिरावट आई है। ऐसे में आपकी क्या राय रहेगी? देखिए सोयाबीन और एडिबल ऑयल की बात करें तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मंदी का देखा जा सकता है क्योंकि इस बार देखें तो जो सरसों की फसल है वो काफी अच्छी ही देखने को मिली है। हमने भी रिसेंटली डेटा देखे कि वहाँ पे सरसों की जो बिजाई है वो बड़ी है, एकरेज जो है वो बड़ी है। तो मुझे लगता है कि एडिबल ऑयल आने वाले दिनों में कुछ नरमी के साथ ट्रेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एकरेज और रकबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पर्टिकुलर सोयाबीन भी हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो जिसने तेजी देखी थी वो यहाँ पे रुकती हुई दिखाई देगी और आगे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है कि अगर हम लेवल वाइज देखें तो मुझे लगता है कि सोयाबीन के भावों में आपको
आने वाले दिनों में 5 से 10% की गिरावट और देखी जा सकती है। नीचे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाव करीबन 6000 तक के लेवल को छू सकते हैं। जी, तो यानी कि सोयाबीन में जो भाव है नीचे 6000 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। अभी यहाँ से जो बाजार है 6200, उसके बाद फिर नीचे में 6000 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आ सकता है। अनु जी, बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा में आपको क्या लगता है, मेंथा के फंडामेंटल्स कितने मंदी तेजी की ओर है, क्या क्या फंडामेंटल्स हैं और आगे मेंथा का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, मेंथा हमने देखा था कि पिछले साल पूरा ड्राई अप रहा था, हालांकि यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी रही है। मुझे लगता है कि इस साल अच्छी एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलेगा, तो मेरा व्यू यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर बायो इंडस्ट्री की स्ट्रेटेजी रहेगी, अभी 985 के आसपास लेवल है, मुझे लगता है कि 975-980 के आसपास लेवल मिले तो खरीदारी करके चले। हमें लगता है कि आने वाले एक महीने में 1100 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी की ही सलाह हमारी मेंथा में रहेगी। यहाँ पर भी देखिए तो जो आगे क्रॉप है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है और डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो मुझे लगता है कि क्रॉप इस बार थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो किसान है वो दूसरी क्रॉप में शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, तो उससे काफी हद तक रहेगा। मगर डिमांड जो है वो काफी अच्छी रहेगी, मुझे लगता है कि डिमांड यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले करेगी और मेंटा के भावों में 1100 तक के लेवल हम यहाँ पर देख पाएंगे। जी अनुजी, आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप जिसमें इस पूरे कार्रवाई सप्ताह अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि कॉटन सीड ऑयल की एक में खरीदारी का ट्रेड लें, ऊपर में जल्दी ही यहाँ पर 3450 से लेकर 3500 तक के लेवल देखेंगे, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर ग्वार मुझे लगता है कि खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पर जल्दी ही 6700 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि अनुज जी ने बताया, उन्होंने उनकी तरफ से दो टॉपिक्स रहेंगे आज आपके लिए और इस पूरे कारोबारी सप्ताह के लिए। पहला है बिनौला खल, दूसरा है गवाह सीड। दोनों ही कमोडिटी में खरीदारी में रहा जा सकता है और अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है। इस पूरे कारोबारी सप्ताह ही नहीं बल्कि ये दो कमोडिटी आपको आने वाले दिनों में भी अच्छा मुनाफा देती नजर आ सकती है। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको एंजॉय करें क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।